हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आई थिंक कि जितने भी स्टूडेंट्स ने नीट 2023 का एग्ज़ाम दिया है, अभी तक आप लोगों ने अपना नीट में कितना मार्क्स आ रहा है कैलकुलेट कर लिया हो, जिससे और आप अपना कट ऑफ देख रहे होंगे कि डिफरेंट कॉलेजेस का क्या कट ऑफ रहा था, जिससे आपको एक रफ आइडिया कि आपको लग सके कि आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है रहने वाला है, ये महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो जिनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है और महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट कोटा जो होता है 85% काउंसलिंग उसके लिए है। स्टेट कोटा 85%, डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट कैटेगरीज में किस मार्क्स पे या किस रैंक पे उनका एडमिशन हुआ था, कौन सा कॉलेज मिला था। और ये जो आपका मतलब कि पीडीएफ तैयार किया गया है, तो इसमें जो है मॉपअप राउंड तक किस मार्क्स और रैंक पे एडमिशन हुआ था महाराष्ट्र स्टेट के स्टेट कोटा के थ्रू किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में फॉर MBBS, उसके लिए वीडियो है। तो जल्दी से चलिए देख लेते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या था। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए सबसे पहले आपका जो ओपन यहाँ पे आपका अलॉटेड कैटेगरी दिया हुआ है, ये नीट का स्कोर है, उनका जो ऑल इंडिया रैंक क्या था और ये अलॉटेड इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो ओपन कैटेगरी में जो है आपका क्या मार्क्स था, 560 मार्क्स पे हुआ था और जो रैंक था वो 42,562। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ऑल इंडिया कोटा से यहाँ उनका कम ही मार्क्स पे हो गया था, ठीक है। तो स्टेट कोटा में ये आपको बेनिफिट मिलता है। तो ओपन गर्ल्स के लिए या ओपन W यहाँ पे वुमेन का मतलब है, ठीक है, 559 पे हुआ था और 43,230 पे हुआ था, ठीक है। कॉलेज कौन सा मिला था, GMC गोंडिया कॉलेज मिला था, ठीक है। EWS गर्ल्स के लिए, EWS गर्ल्स के लिए क्या कैटेगरी था आपका, 558 EWS के लिए 558 मार्क्स पे हो गया था आपका। EWS के लिए 558 मार्क्स पे, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा रैंक में वेरिएशन है, ठीक है। OBC गर्ल्स में आपका 557 पे हुआ था और रैंक क्या था, 44,257, ये ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरीज के लिए देख लेते हैं आपका, ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है आपका OBC के लिए 556 मार्क्स पे और जो ऑल इंडिया रैंक था उनका 44,819 पे हो गया था। NTD कैटेगरी के लिए जो था 555 मार्क्स पे हुआ था और रैंक जो था उनका 45,818 मार्क्स पे हो गया था आपका। और NTD गर्ल्स कैटेगरी में 553 मार्क्स पे हुआ था और जो रैंक था क्या था आपका, 46,563 के करीब। NTC कैटेगरी के लिए आपका 553 मार्क्स पे हुआ था और जो रैंक था उनका क्या था, 47,000 के करीब था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट और कैटेगरीज के लिए, हाँ, अब और अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसको आप, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। तो नेक्स्ट और जो आपका डिफरेंट कैटेगरीज जो अवेलेबल है महाराष्ट्र स्टेट कोटा में, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले और क्या क्या कैटेगरीज है आपका, तो आप यहाँ पे चाहें तो वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे अलॉटेड कैटेगरी है। NTC गर्ल्स का किस मार्क्स पे हुआ था आपका, NTC गर्ल्स का 548 मार्क्स पे हो गया था और उनका रैंक क्या था आपका, 49,987 पे हो गया था। VGA कैटेगरी के लिए 512 मार्क्स, MKB कैटेगरी के लिए 509, ये डिफरेंट डिफेंस कैटेगरी, डिफेंस टू कैटेगरी 508, डिफेंस टू गर्ल्स 502, MKB गर्ल्स में आपका 500, VGA गर्ल्स में आपका 497 मार्क्स पे हो गया था, डिफेंस कैटेगरी 3 आपका 493 मार्क्स पे हुआ था, डिफेंस 1 कैटेगरी गर्ल 491 मार्क्स पे हुआ था, NTB कैटेगरी के लिए 488। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड करके भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और कैटेगरीज के लिए देख लेते हैं यहाँ पे, जो ये यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो अलॉटेड कैटेगरी है, ये डिफेंस 1 के लिए 488 मार्क्स पे हो गया था, डिफेंस 3 गर्ल्स में आपका 484 मार्क्स पे हुआ था, जो रैंक है आपका 96,242 और ये जो आपको उनका कॉलेज क्या मिला था, भी हीरे मेडिकल कॉलेज धूले मिला था, ठीक है। और NTB गर्ल्स का आपका किस मार्क्स पे हुआ था, 483 मार्क्स पे हो गया था, रैंक जो था उनका 97,008 के करीब था, ठीक है। और SC गर्ल्स में आपका 460 मार्क्स पे हो गया था, ठीक है, और जो उनका रैंक क्या था, 1,17,000 के करीब। SC कैटेगरी के लिए 459 मार्क्स पे, ऑर्फन के लिए आपका 334 के लिए हो गया था, ST कैटेगरी में आपका 308 पे हो गया था, ST गर्ल्स में आपका 305 पे हुआ था। और ऑर्फन कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑर्फन कैटेगरी के लिए आपका 100 मार्क्स पे हो गया था और PWD फिजिकली हैंडीकैप वाला कैटेगरी पे आपका 100 मार्क्स पे हो गया था, रैंक क्या था, 997,180। तो अगर
तो अगर आप लोगों का मतलब कि जो यहाँ पे मार्क्स दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका यहाँ पे मार्क्स दिया गया है, इससे अगर आपका स्कोर 5 to 10 ज़्यादा आ रहा है, 5 से 10 मार्क्स अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा महाराष्ट्र स्टेट कोटा से, अगर 5 to 10 मार्क्स आपका प्लस आ रहा है इसमें। और अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ताकि आपको अगले साल में दिक्कत ज़्यादा ना हो। और भी आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आप इसका PDF टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में भी आप चाहें तो वहाँ से भी आप डाउट सॉल्व कर सकते हैं अपना। और अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर के अपडेट काउंसलिंग रिलेटेड मिलते रहें। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।